अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टोरी बाय आसिफ। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ ईंटों वाले भट्टे पर। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि भट्टे पे ईंटें कैसे बनती हैं। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कच्ची मिट्टी से जो ईंटें बनाई जाती हैं वो कैसे तैयार की जाती हैं। आज से 20-30 साल पहले जाएं पीछे तो ये ईंटें तो हाथों से बनाई जाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा मॉडर्न दौर है तो उसकी वजह से ये ईंटें जो है ना एक मशीन के ज़रिए बनाई जाती हैं। तो चले मेरे साथ रहें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ भट्टों पे ईंटें कैसे बनाई जाती हैं और आपको मशीन भी दिखाऊँगा, तो मेरे साथ रहिए। सबसे पहले ये ट्रैक्टर के साथ चीकनी मिट्टी, गूंदी हुई मिट्टी जिसे कहा जाता है, ये इकट्ठी की जाती है। ये सबसे पहला मरहला है। यहाँ से ये ट्रैक्टर, ये देखें, ये मशीन को चलाता है, ये मशीन को चलाता है। और यहाँ से ये गूंदी हुई मिट्टी देखें कितनी स्पीड के साथ इसमें डाली जा रही है। जैसे ये गंदम वाली चक्की होती है वही उसके सेम है ये मशीन। और ये मजदूर देखो कहीं के साथ इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। और आगे चल के ये देखें, ये मिट्टी कितने तरीके के साथ, कितने खुश असलूबी के साथ आगे जा रही है। ये देखें आगे जाते हुए और कितने ज़बरदस्त तरीके के साथ ये एक एक हिस्से में कट होके, और से देखें तो देखें वो एक बहुत तेज़दार वायर लगी हुई है जो इसको 6 हिस्सों में तकसीम कर रही है। और यहाँ से ये तैयार होके बन के आके यहाँ पे आ जाती है। ये यहाँ से ईंटें तैयार होके ये रेडी में डाली जा रही है। और ये रेडी वहाँ पर दूर एक जगह खुली है, वहाँ पे धूप में सुखाने के लिए इसको लेके जाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल भाई जान? ताड़ा नाम की है जी? मोहम्मद आसान भाई। आसान भाई है, जरा सानू तुसी दसोगे कि इट्टा किवें पांदियां ने ते ए मशीन दा की तरीकाकार आ? गारा बनादा ट्रैक्टर। अच्छा जी, बना के उसके बाद बंदे कईयां नाल पांदे आ। ओके, ठीक है। उसके बाद आ पीस ताडे सामने आ रहा। अच्छा, ए जेडी मशीन है ताडे सामने पई है, किन्ने क दी मशीन तैयार हो जांदी है? बन जांदी तकरीबन 3,20,000 दी। 3,20,000 दी। एक घंटे च कितनी ईंटा तैयार हो जाती हैं? 4,000 ईंटा। 4,000 गुड हो गया, सही है। तो 4,000 ईंट एक दिन च कितनी ईंट बन जाती है? अपनी हिम्मत है जी, अपनी हिम्मत। मतलब एक घंटे च 4,000 ईंट बनती है। ठीक है, ठीक है। असि तकरीबन 20,000 करते हैं डेली। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इस तो पहले काम जिहड़ा वा जदों मशीन नहीं सी हुंदी हत्थां नाल ईंटां बनाउंदे सी ना, औरतां बच्चे बनाउंदियां हुंदियां सी। अज तो 20 साल पिछे चले जाओ, तकरीबन 10 साल पहले। हाँ, 10 साल, हाँ 10 साल पहले भी यही चीज़ सी। 10 साल पहले मशीन है ही नहीं। ठीक हो गया भाई। दोस्तों, ये देखें, ये वही ईंटें अभी तैयार हैं। अभी जो हम वो वाई से एंट्रू कर रहे थे तो एंट्रू करने वाले ने बताया था कि ये ईंटें हैं जो तैयार होती हैं। अभी ये ईंटें धूप में डाली गई हैं ताकि पक कर तैयार हो जाएं। अभी ये पकेंगी और इसके बाद इसको दूर ये अगर देखा जाए तो वो सामने भट्टा है। ये भट्टे पे अभी इन्होंने जाना है, इस भट्टे पे इनको पकाया जाएगा। पकाने के बाद ओवरऑल ये तैयार होंगी। ये देखें, ये सांचों में डली हुई ईंटें आप देख रहे हैं। ये देखें दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा था ये वही ईंटें हैं जो बिल्कुल पकने के बाद, तैयार होने के बाद अपनी इस शक्ल में आती हैं। ये जो मैं आपको पकड़ के भी दिखा रहा हूँ ये है वो ईंट ओवरऑल अपनी तैयारशुदा शक्ल में। और ये ट्रकों पे लाद के दूर दराज इलाकों में भी भेजी जाती हैं। और ये भट्टा है, यहाँ पर ये ईंटें पकाई गई हैं और पकाई जाती हैं। फिर किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका दिखाऊँगा कि किस तरह ईंटें तैयार होती हैं भट्टे पर, और तैयार होने के बाद किस तरह लोडिंग की जाती है और दूर दराज इलाकों में पहुँचाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिए और देखते रहिए स्टोरी बाय आसिफ। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।